कब्जा मुक्त कराने गई प्रशासन की टीम पर पथराव, जेसीबी तोड़ी। मुरादाबाद के पागवाड़ा थाना क्षेत्र में जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई प्रशासन टीम पर जमकर पथराव किया गया। इस हमले में जेसीबी घर चालक घायल हो गया, जिससे वह मुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। वहीं पथराव की सूचना पर एसपी सिटी भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसी बीच इस पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ तौर पर उपद्रवी जेसीबी पर ईंट से पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम हमला करने वाले कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। पागवाड़ा में प्रशासन की टीम को यहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एडीएम सादर प्रशांत तिवारी ने मौके पर जेसीबी के साथ टीम को अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए भेजा था। टीम के पहुँचते ही स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया और टीम पर पथराव शुरू कर दिया गया। इस दौरान जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि जेसीबी चालक के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। गणित कहाँ आए थे आप आज? खुद तोड़ना है जी। क्या तोड़ना है थे? क्या चलाते हो, जेसीबी चलाते हो? तो क्या हुआ तुम्हारे साथ आज? ये पथराव हुआ है। किन लोगों ने पथराव करा? ये वहीं के है। वहीं के लोगों ने पथराव। कितने लोग थे लगभग? लोग बहुत सारे लोग। तो आप क्या कर रहे थे वहाँ? सर मैं मशीन चला रहा था, जेसीबी मशीन। थाना पागवाड़ा के समीप हमारी एक बंजर जमीन है, जिसमें कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे, नींव वगैरह भर रहे थे। तो उसी को अतिक्रमण हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे पागवाड़ा टीम के साथ पहुँचे हुए थे, जिसमें हम लोग अतिक्रमण हटा के जब जा रहे थे, तो जाते समय जो है कुछ शरारती तत्वों ने हमारी जेसीबी पथराव करने की कोशिश की। कोई घायल नहीं है और जेसीबी के ड्राइवर को फिंगर में केवल हल्की सी चोट आई थी, उसको हमने मेडिकल करा लिया, बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी किसी तरीके से घायल नहीं हुआ था इसमें। बाकी जो लोग इसमें शरारती तत्व जो यहाँ से भाग करके पत्थर मारने की फिराक में थे, जिन्होंने ईंट मारे हैं जेसीबी में, उनके खिलाफ तहरीर देकर के मुकदमा लिखवाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो पूरे टीम के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं मौके पर, और जो जिन्होंने भी अवैध अतिक्रमण किया पूरा अतिक्रमण हटा करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितनी भूमि यहाँ पर जो कब्जा कर रहे थे, अब उसकी जाँच की जा रही है यहाँ पर कौन लोग थे। अभी फिलहाल तो जिनके नाम हमें मिल जाएंगे वो हम तहरीर में डलवा देंगे, जिनके नाम नहीं मिल कर। ये पूरी ही जमीन बंजर है और लगभग 8-10 बीघे बंजर की जमीन है। एग्जैक्ट रिकॉर्ड आपको तहरीर के साथ जो है उपलब्ध करा दिया। कितना समय हो गया अतिक्रमण? अभी मैं यहाँ पे आया हुआ था 8-10 दिन पहले, तो यहाँ पे मैंने देखा था तो छोटे छोटे नींव भरे हुए थे। इसके बाद इन लोगों से कागजात मांगे, किसी के पास कोई कागजात नहीं है, पूरी ही जमीन बंजर है, आज भी रिकॉर्ड में बंजर है। जब सर शुरुआत हुई थी उस वक्त सभी को यहाँ पर समझाया गया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। बाद में इन्हीं लोगों में से किसी के भड़काने पर आने पर कोई 2-4 शरारती तत्व जाकर के, जिन्होंने यहीं पास में पहले घूम रहे थे, उन्होंने जाकर के फिर जो है जेसीबी से टूटे हुए ईंटों को लेकर के ही जेसीबी मारने की कोशिश की थी। थैंक यू।